हेलो एवरीवन कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों ट्वेल्थ पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी नॉर्मली नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं ट्वेल्थ पास करने के बाद और कौन कौन सी करियर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज हैं चलिए उनको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम उन कोर्सेज के नाम बताएंगे दोस्तों और उसके बाद आपको हर जो अपॉर्चुनिटी या कोर्स होगा उस पर डिटेल में भी वीडियो में आपको समझाया जाएगा एक चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ पी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अभी देखिए एक बात ध्यान रखिएगा हालांकि मैथमेटिक्स बहुत सारे बच्चों को कई बार डिफिकल्ट भी लगता है बट लव दिस सब्जेक्ट रियली मैथमेटिक्स इज द फादर ऑफ ऑल साइंसिस आप सभी जानते होंगे इस बात को क्योंकि जिसका मैथ्स अच्छा है या जो अपना मैथ अच्छा कर लेता है तो ऑब्वियसली उसका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा और जब दो सब्जेक्ट आपके साउंड होते हैं ना दोस्तों आप किसी भी स्ट्रीम में आगे बढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हो कोई ऐसा कंपेटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें आपको एज ना मिले यानी जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज तो समझिए दोस्तों हमने अभी तक डिस्कस किया बहुत सारी वीडियो है मेरी पिछली वो देखिएगा कि हमारे पास स्ट्रीम्स हैं कॉमर्स ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल और बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी हैं साइंस स्टूडेंट्स के पास जो एक एज है एक एडवांटेज है वो ये है दोस्तों कि अगर इलेवन ट्वेल्थ आपने मुश्किल से भी की साइंस की बड़ी मुश्किल से हो पाई आपसे और ट्वेल्थ के बाद आपको लगा कि साइंस स्ट्रीम हमने गलती से सेलेक्ट कर ली तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट में मोस्टली एंटर कर सकते हो यानी यू कैन मूव टुवर्ड्स कॉमर्स सब्जेक्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स लेकिन ये ऑप्शन ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वालों के पास नहीं है साइंस के मैक्सिमम कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम वाले एंटर नहीं कर सकते तो यू हैव एन एज अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी करियर ऑप्शन है जैसे ट्वेल्थ साइंस के बाद जो बच्चे ग्रेजुएट होना चाहते हैं उनके पास सबसे अच्छी ऑप्शन है और उसमें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बीएससी तो बीएससी हो सकती है दोस्तों बीएससी इन एरोनॉटिकल साइंस बीएससी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग बीएससी इन एविएशन टेक्नोलॉजी बीएससी इन फॉरेंसिक साइंसिस बहुत फैसिनेटिंग एरिया है ये भी बीएससी इन फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी केमिस्ट्री बीएससी इन मैथमेटिक्स बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स यानी इन सब्जेक्ट्स पे इंडिविजुअली हो सकती है सभी पे बीएससी इन नैनो केमिस्ट्री बीएससी इन फूड न्यूट्रिशन और और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं ये मैंने आपको मेन मेन बताई हैं कि 12th साइंस वाले बच्चे अगर ग्रेजुएट होना चाहें इनके फायदे ये हैं कि एक किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी अपने में नॉलेज कर कर सकते सकते हैं और इसके बाद स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन हैं एस सी बोलते हैं और उसके बाद रिसर्च एक्सेट्रा में भी एंटर कर सकते हैं दोस्तों रिसर्च एरिया है और बहुत सारी ऑप्शन ओपन होती हैं और बी वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपेटेटिव एग्जामिनेशन को पास करना क्लियर करना कंपेरेटिवली इजी रहता है नेक्स्ट है बीटेक बीटेक का सभी दोस्त अच्छे से जानते हैं फिर भी मैं फटाफट बता दूं आपको बीटेक आप कर सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं अक्रॉस द कंट्री कंप्यूटर साइंस में मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकोम्युनिकेशन में देन इलेक्ट्रिकल देन सिविल देन आई इनमें नॉर्मली बीटेक होती है दोस्तों साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये तो था बीएससी और बीटेक के बारे में बताया मैंने आगे देखिए बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जितने भी आप बिल्डिंग और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग देखते हैं दोस्तों वो आर्टी आर्किटेक्ट का काम होता है तो अगर किसी का इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में आर्किटेक्चर में तो उनके लिए बेस्ट है बी आर्ट यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इसके बारे में जरूर स्टडी करें और मेरा एक स्पेशल वीडियो है उसको जरूर देखिएगा आर्किटेक्चर पे देन है पायलट बहुत एक्साइटिंग पैशनेट और अट्रैक्टिव है अपने आप में जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको पायलट बनना है इसमें कॉमर्शियल प्राइवेट और बहुत सारी और ब्रांचेज हैं। इस पर तो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा वो देखिएगा तो इसकी तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है दोस्तों मर्चेंट नेवी देन नेशनल डिफेंस सर्विसेज, जिसमें इंडियन नेवी ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स ये आते हैं और नेक्स्ट देखिए रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए में एंटर करना यानी जो है सेंट्रल का, आसान है देन है का आसान कुछ जितनी भी की स्ट्रीम है, याद रखिए मैंने शुरू में ही बताया था आपको साइंस वालों के लिए एक एडवांटेज है कि वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के सभी कोर्सेज में एंटर कर सकते हैं उसी से रिलेटेड चाहे कॉमर्स का आपका बी हो चाहे आपका बीबीए हो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो ये सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं साइंस वालों के लिए और उन्हीं में से एक है दोस्तों बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म देन लॉ ये बच्चे बी एस सी एल एल बी भी कर सकते हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स है यानी लॉयर के लिए भी एलिजिबल है देन वी हैव कॉमर्स का जो नॉर्मली होता है बट दे कैन ऑल्सो एंटर इन टू होटल मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट दो बार लिखा गया है इट्स ओके देन वी हैव द साइकोलॉजी ये बीएससी कर सकते हैं इसमें या ये डिफरेंट एरियाज हैं सोशियोलॉजी देन ट्रेवल एंड टूरिज्म में भी एंटर कर सकते हैं देन कुछ डिजाइनिंग कोर्सेज हैं उनके लिए परफेक्ट हैं ट्वेल्थ साइंस स्टूडेंट्स देन वी हैव द मास मीडिया एंड कंपेटिटिव एग्जामिनेशन चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हों जैसे एसएससी हो गया जैसे आपके बैंक्स हो गए इंश्योरेंस कंपनीज हो गई जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनके जो अपने कंपेटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनमें साइंस स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं क्योंकि इनके पास मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है एक एज होता है दोस्तों तो मैंने साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये जो टॉप प्रियोरिटी की कुछ कोर्सेज हैं करियर ऑप्शन हैं उनको डिस्कस किया है दोस्तों इनको आप एक स्क्रीन ले सकते हैं जस्ट हैव ए लुक इन पे हर एक पे हम सेपरेटली भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी, आपकी नॉलेज बढ़े और नॉलेज बढ़ेगी आपकी ही नहीं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा डिस्कस कीजिएगा एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड देन मेक योर डिसीजन इन अ बेस्ट वे स्टे कनेक्टेड इंप्रूव योर नॉलेज चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें